सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा टर्म टू एग्जाम आने जा रहा है। ऐसे में आप सब में से लाखों स्टूडेंट होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया पता नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा बनेगा कि नहीं, पता नहीं मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं हमारे मम्मी पापा हमारे रिजल्ट को देखकर खुश होंगे कि नहीं। तो आज की सबसे बड़ी खुशखबरी कहूंगा एंड सबसे बड़ा स्टेप सीबीएसई ने लिया है और मैं सबसे पहले इस न्यूज को कवर करने के लिए काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। सीबीएसई ने साफ साफ एक मीटिंग किया है और मीटिंग में साफ साफ स्टूडेंट्स को फायदा ही फायदा देने की बात कही है एंड कम्प्लीटली उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स के प्रति कम्प्लीटली बदल चुका है। सीबीएसई खुद चाहते हैं कि टर्म टू का जो एग्जाम हो उसमें स्टूडेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाए, अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा स्कोर करें। अब मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ बिना किसी एविडेंस का, तो आपको भी कहीं ना कहीं मजाक लगेगा, आपको भी कहीं ना कहीं आप सोचेंगे भैया कि आप मीटिंग में गए थे जो आपको ये सारी चीजें पता चल गई। तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, हमारे पास ये सारी अपडेट्स रहती हैं, बट मीटिंग में क्या हुआ वो तो पर्टिकुलर हमें नहीं पता था, बट आप सबको पता है कि मीटिंग का आउटकम ठीक एक दो दिनों बाद आता है। तो सैटरडे को कराई गई है मीटिंग, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीबीएसई एंड उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका मीटिंग हुआ है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है स्टूडेंट्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट करे पहले खुशखबरी पूरा कवर करते हैं आप सबके लिए, पूरा वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके रिजल्ट्स एंड प्रीबोर्ड्स को लेकर। तो यहाँ सीबीएसई साफ साफ जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये कॉन्सेप्ट नया है टर्म टू एंड टर्म वन टर्म टू का एंड इसमें स्टूडेंट्स को कवर करना डिफिकल्ट है क्योंकि टीचर्स पेरेंट्स सब लोग इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और स्टूडेंट्स जो कि ठीक दो साल बाद एग्जैक्टली वो पॉइंट है, दो साल बाद जब अपना एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरीके से देंगे जबकि कंप्लीटली सब कुछ एनईपी में अलग है। तो सीबीएसई ने आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा कि शनिवार को एक मीटिंग एक बैठक हुई है कि सीबीएसई आप सबके लिए जारी करने वाली है, इसे आप सैंपल पेपर मत करना, इसे कहना प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर्स, पर्टिकुलरली क्लास 10 12 को स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, आपका जो भी सिलेबस है टर्म 2 का सिलेबस के बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट्स का एक आपको सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि आपको यहां पर हर एक जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पर ऑलमोस्ट जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे पूरा पैटर्न वाइज आपको सजा कर दिया जाए, ऐसे आपको जो है प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके प्री बोर्ड्स को क्रैक करने के लिए और हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए। सीबीएसई का बहुत बड़ा निर्णय मैं आप सबको सबसे पहले बता रहा हूं कि दिल्ली के स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है एंड पूरे भारत में ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप पकड़ लीजिए हर एक राज्य में जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सीबीएसई का ऐसा स्कूलों को दावा किया जा रहा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स टीचर हैं ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर इन लोगों को प्रोवाइड किया जाए पूरा सिलेबस वाइज ताकि स्टूडेंट्स स्ट्रांग रहें और अच्छे से स्कोर करें। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, लाइक में कंजूसी नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा हूं और भी आप सबको मैं खबर दूंगा, पर उससे पहले आप सबको बता दूं कि आपका जैसा कि फाइनल एग्जाम आ चुका है क्लास 10 का ऑल 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का, यहां पर आपको लाइव क्लासेस करवाया जा रहा है, फ्री आस्क अ डाउट सेशन है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं एवरी आफ्टर क्लास एंड क्लास 12 के लिए भी है, लाइव क्विजेस टेस्ट चल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं क्लास 10 का, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पे बैनर्स वगैरह देख सकते हैं, आपके क्लास के टाइमिंग देख सकते हैं, आप हर एक चीज आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों जब अनअकैडमी ने सीबीएसई की तरह आपके हाथ पकड़ने का निर्णय लिया है तो मेक श्योर आप जरूर एक एक दो दो क्लास देखें और पीडीएफ नोट्स वगैरह लें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर उससे भी बड़ी चीज की सीबीएसई सोचो स्टूडेंट्स के लिए कितना सोच रही है आपसे ज्यादा। अब आ जाते हैं हमारी एक और बड़ी खुशखबरी के ऊपर जो कि प्री बोर्ड्स है। तो यहाँ पे पैरेलल बोर्ड जैसे आईसीएसई है ऑफिशियली अनाउंस कर दी कि हमारे हाथ में बहुत है, हमारा अप्रैल एंड से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो स्कूलों वालों को यहां पे जो है बोला गया है कि आप लोग प्री बोर्ड्स लीजिए मार्च एंड में लीजिए ताकि बच्चे एक्टिव रहे। कितना अच्छा सोच है कि जब एंड में बच्चे प्रैक्टिस करेंगे अपना प्री बोर्ड्स देंगे तो पूरा उनको याद रहेगा, प्रैक्टिस लेंगे और वो अपना एग्जाम देंगे, वो लोग का फ्रेश रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। सेम गोज फॉर सीबीएसई एज वेल मेरे प्यार दोस्तों, पैरेलल बोर्ड है दोनों एक जैसा डिसीजन लेती हैं एंड आप सबके जो रिक्वेस्ट हम तक आ रहे हैं कि सर भैया हमारे स्कूल वालों को आप थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, तो कई सारे स्कूलों को ऑलरेडी हम सबने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब कम्युनिटी के लोग आपके स्कूल के जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है प्री बोर्ड्स को पोस्टपोन कर दीजिए बिकॉज अभी बहुत समय है और पोस्टपोन हो जाएगा प्री बोर्ड्स, तब आप अगर एग्जाम देंगे प्री बोर्ड्स का प्रैक्टिस हो जाएगा और देना जरूर कंपलसरी है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो फाइनल एग्जाम भी अच्छा जाएगा। दूसरी रिजल्ट्स को तो काफी ज्यादा यहां पे एक्सपेक्टेशन है, मैंने कल ये न्यूज़ कवर कर दिया था कि कोई सीबीएसई ऑफिशियल्स चैट ग्रुप से ये चीजें निकल कर आई हैं
कि आपका रिजल्ट जो है टर्म वन का फाइनली आपका वेट कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर संयम भरद्वाज जी ने खुद कहा था कि हम फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है टर्म वन रिजल्ट का एंड हम बहुत जल्द जारी करेंगे। और सीबीएसई के पास एक अच्छा सा प्लस पॉइंट दिया गया है कि उनके पास अभी वक्त बहुत है पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके करेक्शन एंड मॉडरेशन में मॉडरेट करने में रिजल्ट को समय लगा है, बट हम टर्म वन के रिजल्ट देंगे एंड वो वक्त कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के लिए ना कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जैक्टली देंगे, मतलब सेम टू सेम कहीं आपको दिया जाएगा, मे बी हो सकता है एक्सपर्ट्स प्रिपेयर करें उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाए, तो प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल ही रहा है आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेकर कि आपको कुछ अल्टरनेट दिया जाए, उसका भी आउटकम आने को है, उसका डायरी नंबर मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट का जो, बट अभी तक केस मतलब का डेट नहीं मिला। मिलते हैं फिर अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।